हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सर? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हाँ जी, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया जी, ठीक ठाक। और आज क्या है हमारे पास देखने के लिए? आज इश्क फिल्म का ही सीन है। इश्क फिल्म का सीन? इश्क भी क्या चीज है, फिल्म है, सीन है, कौन सा सीन ये है? सिर्फ सीन है। सीन है उसमें वो जब वो साइन करवाते हैं उसके। जल्दी बोल, सुबह पर मिलने कल। हां जल्दी बोल, देर हो जाएगी भाई, इतनी देर लगाएगा। अच्छा चलो फिर देखते हैं इश्क फिल्म। वाला प्राणी सेठ रंजीत राय अपने आप में एक अजीब और गरीब किस्म का है। इसका ये मानना है कि जिस तरह से मच्छर सिर्फ इंसानी खून चूसने के लिए बनाया गया है, मक्खी कूड़े कचरे पर बैठने और सिर्फ बीमारियां फैलाने के लिए बनाई गई है, उसी तरह से गरीब को भी सिर्फ अमीरों का खून चूसने के लिए और उनकी बीमारियां फैलाने के लिए। इस अमीर महाशय को गरीबों से नफरत है। नहीं घर है उनका, मैं कह रहा हूँ बता नहीं रहा, गरीबों का साथ ये बड़ा करते थे, गरीब को ना बहुत ही नीचे दर्जे का साथ। साला वही हाथ रखता है जहाँ मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। साला गरीब कहीं का। ओ पकड़ लिया। तूने मुझे छुआ नहीं, हाथ लगाया तूने मुझे, मगर कहीं आप गिर जाते तो। हाँ मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता, तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत कुत्ता कमीना, भाग यहाँ से। ए लक्ष्मण, ए बहादुर, अरे जल्दी से पानी निकालो, डिटॉल निकालो। तोबा तोबा तोबा, तोबा। कपड़े जींस घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। ए पूरी दे जल्दी जी, खाना सारा उनके वो बना रहे हैं। ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजा जी मैं। क्या मतलब? अरे भाई आपका गरीब ने छुआ तो आपको डिटॉल से और यूडोकोलोन के पानी से नहाना पड़ा। ये जो खाना आप खा रहे हैं ना, ये गरीब ने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि इसके कीटाणु आपके अंदर घुस जाएं। ये पूरी खाई आपने? खाई पूरी खाई। गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जाए यहाँ से, नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी हत्या नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपके अस्थि गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई लेकिन इस नरक के दरोगा को मेरे पीछे लगा के गई। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। आ जा रहे हो? खुद खुशी करने। मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। अब इस घर में रहने वाले महाशय सेठ हरबंसलाल से मिलते हैं। गरीबों से नफरत के मामले में तो ये रंजीत राय से भी 10 कदम आगे हैं। लोगों का नारा है गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। ये मीन के पहले वाले पार्ट है, स्टार्ट में मतलब जो आते हैं वो कुलकर्णी, वो कीड़े मकोड़े, शुरू में उनके बारे में बता रहे हैं। उस बस्ती से निकाले गए कि नहीं जहाँ मैं 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। सर, मधु बेटे ने हमें वो बस्ती तोड़ने से रोक दिया, उन्होंने कहा कि उनकी सहेली वहाँ रहती है। ओफो, दिस मधु की गरीब सहेली, आई हेट हर। अरे ब्रजेश, तू तो बिजनेस के लिए जर्मनी गया था, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो दरअसल मेरी बेटी रमा। वो ठीक तो है ना? आई होप शी इज ऑलराइट। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। रमा बेटे, ब्रजेश तूने अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने बड़े भाई को बताया तक नहीं। भाई साहब हालात ही कुछ ऐसे थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मुझे इन दोनों की शादी करानी पड़ी। अच्छा ब्रजेश, एक बात बता, इस लड़के की हैसियत इसका खानदान अपने बराबरी का तो है ना? भाई साहब अब आपसे क्या छुपाऊं, ये लड़का मेरे ड्राइवर गणपत का बेटा है। What? हाँ। No! 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 जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके मेरे सामने आने की? अगर मेरी बेटी ने ये किया होता तो गोली मार देता उसे, और इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए, चला जा यहां से ब्रजेश, गेट आउट, और इस गंध को भी अपने साथ ले जा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? नाउ गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स।
मैं तो यहाँ इन बच्चों को अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दिलाने आया था, मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? भगवान ने करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। गॉड ब्लेस यू मिस्टर हरबंसला, गॉड ब्लेस यू। उस करोड़पति बाप बेटा, अरे हरामखोर बेहया बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है, मेरे इज्जत का कचरा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? दोस्तों यही है रंजीत राय। इसमें अजय देवगन अमीर बाप का बेटा होता है, जिसका खर्चा पानी बंद कर दिया गया हो, वो सांडे का तेल नहीं तो क्या हाथी का तेल बेचेगा? अरे तू हाथी का तेल बेच या तू चूहे का, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने नहीं। ए, देख क्या रहे हो, उठा के फेंक दो ये टिन टप्पर, उठाओ। अरे और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाओ जाओ। टीचर दो कौड़ी के मोटर मैकेनिक की संगत नहीं छोड़ता, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? चलो। अजय तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें? राजा तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। अरे यार, माना कि तुम रंजीत राय की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे ही डैडी ने हमें फोन करके हुक्म दिया है कि तुम्हारा कोई चेक पास ना किया जाए। और यार हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता। Why don't you understand? देखिए मैं आपसे कह चुका हूँ, आपको मेरा चेक पास करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। You tore my check? Yes. आमिर खान आया है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इसका चेक फाड़ने की? अरे आप है कौन? आई मैं कौन? अरे मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी औलाद बिस्कुट खाती। हाथ मत लगाना। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी बीवी गले पहनती। दूर से बात कर। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरे गले में कंट लंगोट टंगा है। अरे मैं तेरा बाबू रंजीत राय। मुझे फोन करके कहा था कि आपके बेटे का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। मैंने फोन किया था। आप ही ने तो किया था फोन। अपनी इकलौती औलाद का अकाउंट बंद करने के लिए मैंने फोन किया था? अरे जिसके पैदा होने की मन्नत मांगने के लिए मैं राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक गया, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गया, अरे मधुबाला से लेकर मीना कुमारी तक गया, और इतना ही नहीं, जब पूरे 10 साल तक अलग रहा इसकी माँ से, तब जाकर कहीं पैदा हुआ ये शेखू। लग रहा है 10 साल अलग रहने के बावजूद लग रहा है शेखू। हाँ, और ऐसे बेटे की आंखों में आंसू, शेखू रोएगा तो तू, जब खेलेंगे हम हुत तो तू, और थूकेंगे तेरे मुंह पर तू 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 तू। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहचानने से इनकार करता है और कहता है गलती हो गई, मेरा चेक भर दिया और कहता है गलती हो गई। मैंने शेखू को रुलाया और बोलता है गलती हो गई। अबे तू पैदा क्यों हुआ था? मेरे बाप से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सारा सारा बैंक क्या किया जाए? माफ कर देते डैडी। जा मोटू, कैश लेकर आ। हाँ मिलाया। Fantastic. Operation number 2. Hello, Ranjit Rai speaking. Hello, my Federal Bank account.
कैशियर तलवड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलो तलवड़े बोलो। आपके मना करने के बावजूद मैनेजर गायकुंडी ने आपके बेटे को 5 लाख रुपए दे दिए। क्या 5 लाख रुपए दिए? मैं अभी उस बैंक मैनेजर को 5 लाख जूते लगाता हूँ, हरामखोर साला। अरे बापू आ रहे? आ रहे नहीं सर, आ गए। बेटे को, बेटे को ये लीजिए सर, पूरे 5 लाख रुपए। लेकिन बेटा एक बात बता, वो कौन कमजर्फ होगा जिसने मेरा नाम लेकर बैंक मैनेजर को फोन किया था? डैडी, चाचा जी के सिवा और कौन हो सकता है? क्या मेरा छोटा भाई जिसे मैंने जायदाद से बेदखल कर दिया था, वो कुत्ता कमीना। अगर वो आपकी बैंक में आए, बस सेठ जी बस, अब वो मेरा शिकार है। वो आएगा बैंक में करारे नोट की तरह, लेकिन उसे मैंने अगर चिल्लर बनाकर नहीं भेजा तो मैं भी अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। पड़ोसी की औलाद नहीं? बेटा मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, चल जल्दी चल। पैसे मिल गए। डैडी गुड मॉर्निंग सर। शट अप, ये ले मेरे। शट अप, ये सेम डायलॉग। कैबिन में सर। पीछे बैंक वाले शूटिंग देख के ना हंस रहे हैं स्टाफ जो है। नोट किया? अबे बैंक मैनेजर के बच्चे, मेरे मना करने पर भी तूने मेरे बेटे को पैसे दे दिए। मैं तेरी बैंक बंद करवा दूंगा, तेरे भजिए बिकवा दूंगा। मेरा नाम रंजीत राय है, रंजीत राय, रंजीत राय। तू कुत्ते कमीने। ऐसा बैंक मैनेजर हो तो पैसे कौन जमा करवाएगा? है खतरा है इसके पास पैसे जमा करवाने में। अच्छा जो मर्जी इस तरह गेटअप चेंज करके आगे पैसे लेके जा सकता है? नहीं फिल्म है, मूवी का जस्ट फिल्म को फिल्म समझो, एंजॉय करो। मेन मसला वो है ना कि मैनेजर ने रंजीत राय को पहले देखा नहीं था। ओहो देखा तो नहीं था, ठीक है, लेकिन ये है कि पहले बैंक ही उसके ऊपर चल रहा है और उसने देखा ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? नया मैनेजर, एक बंदा इंडिविजुअल आके है, नया मैनेजर हो सकता है। हां ये हो सकता है, नया मैनेजर आया हो ना, उसने नहीं देखा होगा। मैनेजर चेंज हुआ हो तो ये पोजीशन हो सकती है। मैं रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, ये तो मूवी है। मूवी में कॉमेडी बनाने के लिए, तंज बनाने के लिए तो वो मतलब, लेकिन ये है कि अच्छी मूवी थी, ये बहुत अच्छी मूवी थी। इश्क कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। अच्छा एक चीज है कि बाप से जो पैसा निकलवा लिया मैनेजर ने दे दिया, फिर बाप को पिटवाने की क्या जरूरत थी, चुप करके चले जाते। जितना पैसा उसको तो फील भी नहीं होना था। सांडे का तेल ही उनका बिजनेस बंद किया, बदला लिया भाई, सांडे का तेल उनका खत्म किया। 10 साल तक लग रहे हैं वो। ओके 10 साल लग रहे हैं तब जाके जो पैदा हुआ है ये शेखू। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।